हेलो फ्रेंड्स, हम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम देसी चना का छोला बनाकर आपको रेसिपी में दिखाएंगे। देखिए, इतना हम चना जो है रात में भिगो दिए थे, लगभग आधा किलो चना है ये। 500 ग्राम चना ले लिए थे, भिगा हुआ ले लिए हैं। और ये जो है दो प्याज कट कर लिए हैं इस आकार में, और दो प्याज लगभग, दो प्याज आधा या एक प्याज लगभग छोटा कट कर लिए हैं ये तड़के में डालने के लिए। 6-7 लाल मिर्च ले लिए हैं और आलू कटा हुआ इसमें डालेंगे। थोड़ा बच्चे थोड़ा आलू खाना पसंद करते हैं। और ये जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट तैयार कर लिए हैं, और दालचीनी और लौंग ले लिए हैं इस तरह। ये देखिए, लौंग या दालचीनी दोनों इसी में है। छान कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए कुकर गैस पे रख रहे हैं। कुकर हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम सरसों का हल डालेंगे। गैस हाई फ्लेम पे कर रहे हैं, इसका फ्लेम हाई है। देखिए देखिए, कुकर का पानी सूख गया है, कुकर हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम सरसों का ऑयल डाल रहे हैं, लगभग 5-6 चम्मच सरसों का ऑयल डाल दिए हैं। अब इसमें कटा हुआ एक प्याज डाल रहे हैं, देखिए इस तरह कटा हुआ प्याज हम डाल दिए हैं। ये भी इसी तरह दो प्याज हम कटा हुआ डाल दे रहे हैं, कुछ बड़े आकार में है और कुछ छोटे आकार में। प्याज को हम भून लेंगे, इसको गोल्डन ब्राउन कलर करेंगे। लाल मिर्च भी इसी में कट कर ले रहे हैं, हाफ हाफ करके इस तरह, इस तरह। देखिए देखिए 1 स्पून लगभग जीरा डाल दे रहे हैं इसमें। अब इसको करछी से प्याज में मिला दे रहे हैं इस तरह। देखिए प्याज हमारा गलने लगा है। देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है इस तरह। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और दालचीनी और लौंग डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए, इसके बाद दालचीनी डाल दे रहे हैं। देखिए फिर ये लौंग डाल दे रहे हैं इस तरह। अब इसको चलाएंगे, इसी के बाद हम यहीं पे नमक डाल दे रहे हैं 2 चम्मच। देखिए ये नमक हमारा 2 चम्मच हो गया इसी में। ये कितना अच्छा खुशबू आ रहा है, ये देखिए बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है प्याज का और लौंग और दालचीनी का। ये देखिए कितना अच्छा हमारा प्याज आ गया है गोल्डन ब्राउन। अब इसमें हम चना ऐड कर देंगे इस तरह।
चना ऐड करने के बाद इसमें आलू भी ऐड कर रहे हैं। आलू भी ऐड हो गया, अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। ये देखिए लाल मिर्च पिसा हुआ है, तो 1 स्पून डाल रहे हैं, 1/2 स्पून और डाल दे रहे हैं। और पिसा हुआ धनिया पाउडर है, इसको भी इसी में ऐड कर रहे हैं। देखिए लगभग 2 चम्मच। अब सारा मटेरियल डाल चुके हैं, कुछ देर तक इसको हम गैस पे भुनेंगे। देखिए इस तरह सारे मटेरियल को हम भून लेंगे। ये देखिए इस तरह, अभी पानी नहीं ऐड कर रहे हैं, उसके बाद इसमें गरम मसाला डालेंगे कुछ देर भुनने के बाद। देखिए हमारा सारा चना जो इसमें डाले थे, जो भी मसाला डाले थे इसमें, सब देखिए इस तरह भुना गया है। अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे 2 पैकेट। ये देखिए गरम मसाला डाल दिए, दूसरा पैकेट ही गरम मसाला डाल दे रहे हैं। कुछ हल्दी पाउडर डाल दे रहे हैं, देखिए और यहीं पे हम अमचूर पाउडर देखिए डाल दे रहे हैं। ये हमारा अमचूर पाउडर है। अब सभी मसालों को हम करछी से मिला लेते हैं इस तरह। देखिए सारा मसाला हमारा मिल चुका है लगभग। अब इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं, लगभग पानी उतना ही ऐड करना है जितना जो है ये चना के छोले से ऊपर आ जाए, थोड़ा सा ऊपर आ जाए, ज़्यादा नहीं। ये देखिए पानी हम ऐड कर रहे हैं। तीन कटोरी पानी हो गया, हम नाप से नहीं ऐड करेंगे, चना से ऊपर आने तक ऐड करेंगे। देखिए चना से ऊपर हमारा पानी आ चुका है, ये देखिए, देखिए चना से ऊपर आ गया है। देखिए पानी इसमें चने से ऊपर डाल दिए हैं। ये देखिए इस तरह हम कुकर को ढक्कन लगा करके बंद कर दे रहे हैं। इस तरह से बंद कर दिए कुकर और फ्लेम को हाई कर दिए हैं। इस तरह हाई फ्लेम पे हमारा कुकर गर्म होगा या सीटी देगा, लगभग 6-7 सीटी देगा तो हमारा चने का छोला कंप्लीट तैयार हो जाएगा। देखिए हमारा छोला कंप्लीट तैयार हो गया है। अब हम कुकर का ढक्कन खोल रहे हैं। अभी आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह छोला कंप्लीट तैयार हो गया है। हम आलू डाल दिए हैं छोले में, बहुत से लोग आलू नहीं डालते हैं क्योंकि हमारे बच्चे आलू खाना पसंद करते हैं, इसलिए हम आलू इसमें डाल दिए हैं। ये देखिए छोला कितना बढ़िया इसका कलर आया है, देखिए इस तरह कितना बढ़िया स्ट्रक्चर है। ये देखिए ये छोला हमारा बन करके कंप्लीट तैयार हो गया है। अभी इसको हम सर्व करके आपको दिखाते हैं। कुछ रोटियां भी बना ले रहे हैं क्योंकि छोले से रोटियां खाना बहुत अच्छा लगता है। चावल भी लोग खाते हैं लेकिन ज़्यादातर रोटियां ही खाते हैं। देखिए अब आपको छोला हम सर्व करके दिखा रहे हैं इस तरह। ये चना का छोला बहुत ही स्वादिष्ट और
इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। ये देखिए कितना अच्छा है, इसमें स्ट्रक्चर इसका लग रहा है। इसका रस भी इसमें डाल दे रहे हैं क्योंकि छोला जो है सूखा नहीं होता है, इस तरह इसी में डाल दे रहे हैं। देखिए आप चावल से भी खा सकते हैं इसको, और पराठा पूरी जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे खा सकते हैं, रोटी से भी खा सकते हैं, चावल से भी खा सकते हैं, सारी चीज़ों से आप इसको खा सकते हैं इस छोले को। देखिए छोले को एक बाउल में रख लिए हैं। देखिए इस पे भुना हुआ लाल मिर्च पाउडर डाल दे रहे हैं और भुना हुआ धनिया पाउडर डाल दे रहे हैं। ये देखिए ऊपर से भुना हुआ धनिया पाउडर डाल दे रहे हैं और लाल मिर्च डाल दे रहे हैं क्योंकि इससे हमारा फ्लेवर बहुत ही अच्छा दिखेगा। और कुछ प्याज कटे हुए इसमें डाल दे रहे हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर इसका आया हुआ है, कटे हुए प्याज इसमें सजावट के लिए डाल दे रहे हैं। ये देखिए इस तरह, और पुदीना की पत्ती भी इसमें डाल दे रहे हैं। आप धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं और पुदीना की पत्ती भी डाल सकते हैं, दोनों में से जो आपके पास उपलब्ध हो वही डालें। ये हमारा फ्रेश पुदीना की पत्ती है, इसको हम डाल दे रहे हैं इस तरह। अब आपको सर्व करके हम रोटी के साथ इसको दिखाते हैं। बगल में हमारा जो है ये खीरा है, सलाद है इसका, और नींबू भी कटा हुआ रखा हुआ है। इसके साथ हम इसको सर्व कर रहे हैं। ये देखिए हमारा ये छोला बन करके तैयार हो गया है चने का, और इसको इसमें रोटी भी रख दिए हैं और सलाद, खीरा का सलाद रख दिए हैं और नींबू भी रख दिए हैं। इसी तरह आप भी अपने घरों में चने का छोला बनाइए और अपने घरों में इंजॉय करिए अपने फैमिली के साथ। आपको उम्मीद है हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक हम मिलते हैं अन्य वीडियो में आपसे। बाय फ्रेंड्स।